नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और मेरे YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लश टैंक को कैसे क्लीन करना है। दोस्तों, फ्लश टैंक में अक्सर हार्ड वाटर होता है और पानी गंदा भी हो सकता है, मडी मर्की वाटर भी होता है। इसके वजह से जो डिपॉजिट्स है वो उसमें काफ़ी हो जाते हैं और उसकी वजह से फ्लश कभी कभी मेल फंक्शन भी करता है। मतलब जैसे कि पानी ऑटोमेटिक धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना, जो कि आपका जो वेसल होता है उसके अंदर से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके लिए फ्लश को रेगुलरली क्लीन करना ज़रूरी है। तो ये देखिए मेरा फ्लश टैंक कितना गंदा हो चुका है, इसको मैंने 3 महीने पहले क्लीन किया था। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग अभी क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको ओपन करना है, उसके बाद में आपको जो मेन सप्लाई है पानी का उसको बंद कर देना है। उसके बाद में जो एग्जिस्टिंग पानी होगा फ्लश में उसको आपको फ्लश आउट कर देना है, क्योंकि ये पानी की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। हम लोग हॉट वाटर यूज़ करने वाले हैं इसके लिए, तो ये मैंने इसको ड्रेन कर दिया पूरा। उसके बाद में हम लोग 4 लीटर पानी लेंगे और उसको गर्म कर देंगे। 60-70 डिग्री तक आप गर्म कर सकते हो। इसके लिए ये नॉर्मल वाटर लेना, जो फ्लश में वाटर यूज़ होता है हार्ड वाटर, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, गर्म पानी हो जाने के बाद में आधा बाल्टी पानी उसमें से निकाल लें और उसमें 200 ग्राम आपको सिट्रिक एसिड ऐड करना है। सिट्रिक एसिड आपको कहीं पर भी किराने के स्टोर्स में मिल जाएगा, आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो और डीमार्ट पर भी ये अवेलेबल है। दोस्तों, ये ऐड करने के पीछे का साइंस ये है कि जो आपका हार्ड वाटर डिपॉजिट्स होते हैं वो अल्कली इन नेचर होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग वीक एसिड यूज़ कर रहे हैं, जो कि है एक सिट्रिक एसिड। तो बस उसको बाल्टी में डाल के इस तरह से मिक्स कर देना और पूरा डिजोल्व होने के बाद में हम लोग उसको फ्लश टैंक में ऐड कर देंगे। अभी हम लोग गर्म पानी को और सिट्रिक एसिड के मिक्सचर को हम लोग पोर कर देंगे। अभी आप देख सकते हो कि ये एफर्वेसेंस, मतलब बुड़बुड़ी निकलना स्टार्ट हुआ है, मतलब रिएक्शन जो है वो चालू हो गया है और ये क्लीनिंग होना अभी स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग पानी को यहाँ तक भर देंगे। इसको फुल लेवल तक मैंने भर दिया है। एक्चुअली फुल लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा हमें भरना है, मतलब वो पूरी तरह से अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। अभी टाइम हुआ है 3:27 PM। हम लोग 3 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रखेंगे और ये रिएक्शन पीछे बैकग्राउंड में काम करता रहेगा। तो मिलते हैं 6:27 को, एग्जैक्टली 3 घंटे के बाद में। ये डिजिटल थर्मोमीटर मैंने अमेजोन से लिया था, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में है। टाइमर के साथ में ये आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी बताता है, तो काफ़ी इफेक्टिव डिवाइस है। सिक्स ट्वेंटी सेवन पी एम हो चुके हैं, 3 घंटे पूरे हमारे हो चुके हैं और हम लोग अभी देखते हैं कि वहाँ पे फ्लश टैंक में क्या चल रहा है। सो ये देखिए दोस्तों, अभी ये पूरा का पूरा जो सरफेस पे चिपका हुआ था स्लाइम, वो सब कुछ निकल गया अभी और ये मैं इसको अभी डिसॉल्व कर रहा हूँ। इस तरफ भी आप देख सकते हो कि पूरा ऊपर आ गया है ये, और अगली बार फ्लश मारेंगे तो सारा कुछ निकल जाएगा। तो ये फ्लश में मार रहा हूँ, 1, 2, 3, गो। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा का पूरा अच्छी तरह से क्लीन हो गया है ये, और नीचे कुछ बचा है वो पानी बचने की वजह से वो बचा है, तो अगली बार फ्लश करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। दोस्तों, टैंक तो अभी क्लीन हो गया है, अभी हम लोग इसके इंटरनल पार्ट्स को निकल के क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए पानी बंद करना है हम लोग को। दोस्तों, अभी ये पुश बटन का सिस्टम हम लोग को ओपन करना है, तो इसको लेफ्ट में घुमा लिया मैंने और ऊपर खींच लिया, तो ये देखिए बाहर निकल गया ये, और इसको हम लोग डिटर्जेंट लगा के क्लीन कर देंगे। अभी दोस्तों, ये बॉल कॉक को निकाल देंगे, इसको हम लोग फ्लश वाल्व भी बोलते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को वाटर का पाइप निकालना पड़ेगा, तो इसको अनस्क्रू कर देंगे और ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर एक प्लास्टिक का बोल्ट है, उसको हम लोग को अनस्क्रू करना है, और एक वॉशर भी है जिसको हम लोग को निकाल के संभाल के रखना है। अभी असेंबली फ्री हो गया है, अभी हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी इसको हम लोग धो डालते हैं। ये वॉशर है, इसको भी आपको संभाल के रखना है। इसके एजेस भी काफ़ी डर्टी है, तो इसको भी हम लोग फटाफट क्लीन कर लेंगे। थोड़ा सा डिटर्जेंट लीजिए और उसको अच्छे से घिस के उस पर पानी मार दीजिए, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग जो पुश बटन है उसको क्लीन कर देंगे, बस डिटर्जेंट लगाइए, धोइए इसको नॉर्मली जैसे धोते वैसे। फिर बॉल वॉल को भी क्लीन कर देंगे हम लोग, और ये अच्छी तरह से पानी मार के साफ हो जाएगा। ऐसे हम लोग को बोल्ट और वॉशर को भी क्लीन करना है, बस पानी मारिए और हो गया। दोस्तों, अभी हम लोग का काम तो हो गया है, अभी इसको हम लोग वापस असेंबल कर देते हैं। तो ये सबसे पहले बॉल कॉक है, उसको हम लोग अंदर लगा लेंगे। दोस्तों, आपको किसी भी हाल में वॉशर को नहीं भूलना है, और वॉशर लगा के ऐसे हम लोग टाइट कर देंगे तो काम हो गया अपना। अभी वाटर इनलेट का कनेक्शन हम लोग लगा लेंगे इसको। इसको आपको पकड़ या फिर पानी से टाइट करना चाहिए, क्योंकि इससे पानी ड्रिप हो सकता है। अभी हम लोग पुश बटन की असेंबली को लगा देते हैं। इसको लगाने के लिए सिर्फ उस सॉकेट में डालिए और राइट पे घुमा दीजिए, तो इसका आपका काम हो जाएगा। वाटर का इनलेट मैंने अब चालू कर दिया है, और हम लोग को देखना है कि कुछ लीक तो नहीं हो रहा है पानी। तो दोस्तों, कोई लीक नहीं है, पानी स्टेबल है, और इसने बराबर से कट ऑफ भी कर दिया है एक सर्टन लेवल रीच होने के बाद में। तो दोस्तों, हमारा क्लीनिंग सक्सेसफुल हो गया है। अभी सिर्फ एक लास्ट चीज़, बस हमको इसका लीड इंस्टॉल करना है।
लिड इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है, सिर्फ उसको रखिए और ऊपर इसके 2-3 बार हैमर कीजिए तो आपका काम हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाना ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट मेरे चैनल से मिल सके। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। टेक केयर एंड बाय।